इसलिए अब ये करेंगे तो यकीनी बात है कि जो है ना एक मुस्लिम समाज के जो है ना उसके मुस्लिम समाज का दिल दुखेगा और उनकी पवित्र जो किताब है हमारे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब उतरी है ये हुआ कि उस कुरान का और इस्लाम का मजाक है। इसलिए बस हमारी रिक्वेस्ट और विनती है आपसे कि इस बारे में आप कोशिश करें कि भाई किसी भी समाज के बारे में कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि भाई किसी समाज का मजाक उड़ाया जाए या जो है उसके बारे में उसका जो खिलवाड़ किया जाए, ये कोई भी धर्म नहीं कहता और कोई मजहब नहीं कहता। इसलिए हमारा मजहब तो यही है और हमारे इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। हमारे इस्लाम में तो यहाँ तक कि भाई किसी ने अगर थप्पड़ मार दिया तो दूसरा जो है ना गाल पेश कर दो उसको मारने के लिए, लेकिन जो है ना किसी को ठेस पहुँचाना और दिल को दुखाना ये इस्लाम नहीं कहता। इसलिए बस हमारी विनती यही है कि समाज पूरे समाज और पूरे मुसलमानों की तरफ से जो ये बात आ रही है हर जिले के अंदर कि भाई ये फिल्म रिलीज़ होगी तो इतनी बातें फिर आपस में कुछ तनाव या कुछ इस तरह की बातें बढ़ सकती है जिले के अंदर, इंतजार हो सकता है, ये चीज़ें होंगी नहीं तो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। सिलसिले में आए हैं, असल इसका मकसद ये है कि वो जो इस्लाम और कुरान पवित्र जो हमारी किताब है उसके खिलाफ जो एक फिल्म रिलीज हुई है तो ये हमारी पवित्र किताब उसके ऊपर भी जो है गोया कि एक मुसलमानों को दिल दुखाने की बात है। और इस्लाम में या किसी भी धर्म में कोई ऐसा धर्म ये नहीं कहता कि किसी किताब को या किसी के धर्म के ऊपर जो है ना कुछ कीचड़ उछाला जाए या उसको बदनाम किया जाए, तो ये सरासर जो है ना इस्लाम के साथ और हमारी पवित्र किताब कुरान के साथ में जुल्म है और ये कुरान का और इस्लाम का मजाक है। इसलिए बस हमारी एक विनती ये है कि ये फिल्म रिलीज़ ना हो। अगर ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उससे क्या होगा कि आपस में जो है ना जातिवाद में कुछ तो भड़काव होगा और इंतजार होगा जिससे फिर जो है ना शहर का भी माहौल बिगड़ेगा और मुल्क का माहौल बिगड़ेगा, तो इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, बस हमारी ये विनती है। अरे मेरी जो फिल्म बना के अभी रिलीज़ होने की इस पर है और मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो कल बयान दिया है कि हम इस पिक्चर को प्रोटेक्शन देकर चालू करेंगे, तो ये जो है यहाँ पर जो भारत है ये निधर्मी और सब देश सब जाति व जातीय प्रांत का जो है हर एक मज़हब के लोग यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर है, तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आप जो है ऐसे फिल्मों को रोके क्योंकि जो समाज में अलग अलग मैसेज जाएगा और यही छोड़कर आगे जो है ये फिल्म एक्टर जो है अपना धंधा चलाने के लिए देव देवताओं के भी विठम बनने के लिए कर फिल्म बनाते हैं, तो ऐसे भी ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। तो इसलिए आज जो पूरा समाज और हर जिले के अंदर हर महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर अगर सही माहौल रखना है और इस लाइन से कोई भी सांप्रदायिक ताकत को तोड़ना नहीं तो ऐसे फिल्मों को बंदी करना चाहिए। आपला प्रदर्शित होणार म्हणून हे ट्रेलर गेल्या 15 दिवसापासून फेसबुक यूट्यूबवर अपलोड होत आहे, त्याच्यानंतर 24 तारखेपासून सांगलीमधून अशरफ वानकर म्हणून पर्यटनचे आमचे सहकारी मित्र आमचे बंधू आहेत त्यांनी आवाज उठून हायकोर्टामध्ये काल दाखल केलेली याचिका आहे त्याच्यावर आज सुनावणी आहे। असं असताना प्रोड्युसरनी मुख्यमंत्री साहेबांना आणि दीपक केसरकर साहेबांना चुकीची माहिती दिली व त्या माहितीच्या आधारे मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितले की जर कोण गुंडागर्दी करत असेल आम्ही प्रोडक्शन देऊ, कोणी मराठी चित्रपटसृष्टीला नुकसान पोहोचत असेल आम्ही प्रोडक्शन देऊ, परंतु मुख्यमंत्री साहेबांना सुद्धा याची कल्पना नाही की ह्या पिक्चर प्रदर्शित होऊ नये म्हणून हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल आहे त्याची सुनावणी आज आहे, ही कल्पनाच मुख्यमंत्री साहेबांना दिली गेली नव्हती, त्यामुळे मुख्यमंत्री साहेबांच्याकडून चुकीच्या समजुतीनुसार ते स्टेटमेंट निघालं असावं असा आमचा समज आहे। परंतु हलाला पिक्चर मुख्यमंत्री साहेबांनी सुद्धा पाहिला नाही की त्याच्या ट्रेलरमध्ये काय प्रॉब्लेम आहे, आक्षेपार्ह मजकूर काय आहे, मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखवण्यासारख्या काय गोष्टी आहेत, खरं तर याचा अभ्यास एक जाणकार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस साहेबांनी करणं गरजेचं आहे। असं असताना सुद्धा फडणवीस साहेबांनी त्या गोष्टीची माहिती घेतली नाही, हा खरं तर आमचा फडणवीस साहेबांच्या बाबतीत आमचा आक्षेप असेल। दुसरी गोष्ट, ह्या सिनेमामध्ये जो कुराण आणि शरीयतच्या माध्यमातून त्याचबरोबर मुस्लिम समाजाच्या मौलानांना बदनाम करण्याचं षडयंत्र रचलं गेलेलं आहे, ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्टानं ज्या बाबतीत जजमेंट दिलेलं आहे त्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे की ट्रिपल तलाक हा विषय कुराणनं साबित नाही, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहे। असं असताना कुठंतरी कुराणचं नाव घ्यायचं, त्यामध्ये हलाला ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेमध्ये हा सिनेमा आहे, महाराष्ट्रामध्ये हलालापासून पीडित महिलेचं जर प्रमाण असेल तर 0.0001% सुद्धा नाही, याची आम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती दिलेली बी आहे। परंतु असं असताना सुद्धा मग हा सिनेमा प्रदेश करण्यामागचा अट्टहास का, तर केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोन प्रोड्युसरचा आहे, ज्याचा हा अमोल कांगणे नावाचा प्रोडक्शन आहे, त्याच्या बहिणीला या पिक्चरमधून सिनेमामधून तो ॲज अ मराठी नायिका म्हणून त्याला सुरुवात करतो आहे, लॉन्चिंग करतो आहे, हा त्याच्यामागचा स्वार्थ।
हे असताना त्यांनी कुठल्या तरी एखाद्या विशिष्ट सिनेसृष्टीशी संबंधित असलेल्या संघटनेच्या नेत्याला घेतलं आणि काल ते अशरफ वानकरला दमदाटी करण्याचा प्रयत्न वृत्तवाहिनीच्या माध्यमातून केला गेला, त्याचाही निषेध करतो मी। अशरफ वानकर जो याचिका दाखल करतोय तो एकटा करत नाही, याचिका समाजाच्या नावानं करता येत नाही म्हणून तो एकटा करतोय, आणि हा जो समोर समाज आहे उपस्थित आहे हा हलालाचा निषेध करण्यासाठी आणि हलालाचा प्रदर्शन रोखण्यासाठी जमा झालेला आहे, याची नोंद प्रोडक्शन करणाऱ्या अमोल कागणेनं त्या कुठल्या तरी सिनेसृष्टीच्या असलेल्या संघटनेच्या नेत्यानं आणि संबंधित विचाराला पाठीराखण करणाऱ्या सर्वांनी घ्यावी। जर याचिकेत दाखल करण्यामध्ये काही हायकोर्टाचा निर्णय आला तरीसुद्धा संवेदनशील मार्गाने हा लढा चालूच राहील चित्रपट प्रदर्शनाच्या विरोधात, एवढंच आम्ही सांगू।